तो दोस्तों ये जोधपुरी जीरा लेके आया था और पी रहा था, तो मैंने इससे छीन लिया। मैंने कहा क्या पी रहा है दिखा तो। तो मैंने इसका टेस्ट देखा, मुझे तो मतलब सही लगा, पर मैंने कहा ये बासी नहीं पीना चाहिए, ये बहुत दिनों का बना हुआ है। पकड़ चल लेके जा, मैं बनाती हूँ तेरे लिए बढ़िया सा, तो दिखाते हैं आपको यही बना के, ठीक है। इसका क्या करूँ, मुझे पसंद नहीं आता, इसको फेंक दे यार, पी ले। आ गए हैं अपने किचन में, बनाते हैं जोधपुरी जीरा। तो इधर ले रखी है हमने एक कढ़ाई और एक पैन। तो हम बनाएंगे शुगर सिरप। सबसे पहले इधर ले रखा है मैंने एक गिलास पानी। इधर जला देंगे गैस, पानी को उबलने देते हैं, इधर भी जला देंगे गैस पैन के लिए। तो इसका पानी सुखा लेते हैं, गीला है। 6 चम्मच चीनी तो इसमें ऐड कर देंगे इसको। तो इसका बना रहे हैं शुगर सिरप। 5 मिनट के लिए हम अच्छी तरह से इसको पकाएंगे। तो इधर पैन गरम हो गया है, गैस थोड़ा कम कर देंगे। काली मिर्ची, लौंग और जीरा इसको ऐड कर देंगे। अब अच्छी तरह से इसको भून लेते हैं। तो भूनने से क्या होता है, इसका कच्चापन दूर होता है, इसलिए हम इसको भूनेंगे और भूनेंगे खूब ब्राउन करके, जिससे इसकी खुशबू आ जाए। हमारे जोधपुरी जीरे में खुशबू आएगी लाजवाब। घर पर हम आसान तरीके से बना सकते हैं, तो बाहर से क्यों लाएं। तो कैमरामैन आज ला गया था मुझे दिखाने के लिए, मम्मी ये बना, तो मैंने कहा चलो बना के देखते हैं कैसा बनता है। तो घर पर बिल्कुल हेल्दी चीजें होती हैं, कभी भी हो घर पर बना के बच्चों को पिलाना चाहिए। 5 मिनट हम इसको खूब पकाएंगे। जीरे को, काली मिर्ची, लौंग को अच्छी तरह से भून लेते हैं। तो देखिए हमारा जीरा कितनी अच्छी तरह से भून गया है, कलर बढ़िया आ गया है। अब गैस बंद कर देते हैं, इसको एक बर्तन में लौट लेते हैं और बारीक करके इसको पीस लेते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। तो इधर हमारा शुगर सिरप पक रहा है, ये देखिए चीनी मेल्ट हो गई है। अच्छी तरह से इसको पकने देते हैं। सिलबट्टे में पीसूंगी सोच रही थी, तो बारिश आ गई, मैंने बट्टे में ही पीस दिया है, गरम गरम पीस जाता है। ये देखिए कितना बारीक हो गया है, बट्टे में भी हम इसको अच्छे से पीस सकते हैं। तो ये है हमारा चकला बेलन सिलबट्टा बना दिया मैंने आज। इधर हमारा शुगर सिरप भी बनके तैयार हो रहा है, देखिए थोड़ा सा पानी इसका और सुखाएंगे हम। शुगर सिरप में फ्लेवर लाने के लिए थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें हरी इलायची का पाउडर। तो इलायची मैंने कूट के बना रखी है, इसमें ऐड कर देंगे। अब थोड़ा सा ले रखा है हमने पुदीना, क्या होता है इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है, तोड़ के इसको डाल देंगे। तो थोड़ी देर के लिए और हम पकाते हैं इसको। तो खुशबू आ गई है इसमें बढ़िया सी, हल्की आंच कर देते हैं, एक बाउल में अच्छी तरह रख देंगे। इधर सिरप बन के भी हो गया है तैयार, गैस बंद कर देते हैं और सिरप को कर देते हैं ठंडा। ठंडा करते हैं फिर दिखाते हैं आपको। तो देखिए हमारा जीरा पाउडर भी तैयार है, शुगर सिरप भी। तो जीरे को अच्छे से पीस लिया था, अब इसमें मिलाएंगे हम काला नमक, 1/2 चम्मच काला नमक मिलाएंगे। तो यह है चाट मसाला 1 चम्मच, इसको भी इसमें मिला देंगे, इससे क्या होता है अच्छा फ्लेवर आता है। अच्छे से करेंगे इसको मिक्स। घरी का नींबू है दोस्तों हमारे, इतना बढ़िया शानदार, तो पेड़ से अभी तोड़ के लेके आई हूँ आपके लिए। सबसे पहले हम आइस डालेंगे गिलास में, लाइट भी नहीं होती है, पिघल गई एकदम। अब 1/2 चम्मच लेंगे हम जीरा, 1/2 चम्मच हमने जीरा पाउडर डाल दिया है इसमें, 2 चम्मच सिरप डालेंगे। तो एक नींबू इसमें निचोड़ देंगे। खटास के लिए हमने इसमें अमचूर पाउडर भी डाल रखा है। अब मिलाएंगे इसमें हम पानी, 1/2 गिलास पानी मिलाएंगे। तो ये हमने सोडा ले रखा है, इसको भी मिला देंगे इसमें। इस तरीके से सजा देंगे। तो लीजिए आप लोगों के लिए बना दिया है मैंने जीरा। तो कैसी लगी आपको हमारी ये रेसिपी दोस्तों, रेसिपी पसंद आई तो लाइक फॉलो करना, मेरे चैनल में जाके सब्सक्राइब करना और इसको जरूर बना के पीना, क्योंकि ये ठंडा ही है, शरीर में अच्छा लगेगा।
और डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा होता है ये। बड़ों को भी देना, छोटों के लिए भी बहुत अच्छी रेसिपी है। तो आप लोगों को कौन सा जीरा पसंद आया, घर में बनाया हुआ है या बाहर वाला, तो आप लोग कमेंट करना जल्दी से।